अस्सलाम वालेकुम गाइस, तो कैसे हैं आप सभी लोग, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो गाइस, आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं Samsung Galaxy M42 5G के बारे में। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि Samsung की M सीरीज के जितने भी स्मार्टफोन होते हैं वो इंडियन मार्केट में लॉन्च किए जाते हैं, लेकिन अब कुछ टाइम से Samsung पाकिस्तानी मार्केट में भी अपनी M सीरीज के स्मार्टफोन लॉन्च कर रहा है। अनफॉर्चुनेटली वो स्मार्टफोन आपको ऑफलाइन मार्केट में देखने को नहीं मिलते, या तो ऑनलाइन मार्केट में देखने को मिलते हैं या फिर Samsung की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर देखने को मिलते हैं। बट स्टिल अभी Samsung की तरफ से न्यूज़ ये निकल के आ रही है कि Samsung अपनी बहुत ही जल्द Samsung Galaxy M42 5G को ग्लोबली मार्केट में लॉन्च करने वाली है, काफी ज़रा कमाल की स्पेसिफिकेशन के साथ। अब यहाँ पर मैंने कहा तो है कि भाई कमाल की स्पेसिफिकेशन है, लेकिन कुछ स्पेसिफिकेशन ऐसी हैं जो काफी ज़रा बेकार हैं। बाकी गाइस, इस स्मार्टफोन के बारे में आगे चल के डिटेल में बात करते हैं, तो फिलहाल यहाँ पर Samsung वाले Samsung Galaxy M42 को 5G के साथ ही लॉन्च करेंगे। मे भी हो सकता है कि ये स्मार्टफोन आपको पाकिस्तानी मार्केट में 4G के साथ देखने को मिल जाए। सो अगर आप लोग Samsung के लवर हैं या फिर Samsung M सीरीज में इंटरेस्टेड हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर से देखिएगा। और हाँ गाइस, अगर आप लोगों को वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगे, वीडियो को लाइक जरूर कर देना, शेयर भी कर देना और साथ में कमेंट में अपना फीडबैक भी जरूर देना है। लेकिन गाइस, अगर आप लोग चैनल पर पहली दफा आए हो, मुझे पहली दफा देख रहे हो, तो डेफिनेटली चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ ऑल करो, ताकि मेरी वीडियोस के सब नोटिफिकेशन आपको मिल जाएं जैसे मैं एक नया वीडियो अपलोड करता हूं। तो स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। सबसे पहले बात को स्टार्ट करूंगा इस स्मार्टफोन के डिस्प्ले से, तो यहां पर आपको 6.6 इंचेस का सुपर एमुलेट डिस्प्ले दिया जाएगा। 720p की रेजोल्यूशन होगी, यानी कि HD डिस्प्ले होगा। अब यहां पर यही चीज बुरी है कि भाई स्मार्टफोन के अंदर आपको 720p वाला डिस्प्ले प्रोवाइड किया जा रहा है, यानी कि HD डिस्प्ले। कम से कम यहां पर फुल HD डिस्प्ले होना चाहिए था। वैसे गाइस, अगर आप लोगों को याद होगा कि रिसेंटली Samsung ने 5G वेरिएंट जो लॉन्च किया था Samsung Galaxy A32 का, उसके अंदर भी आपको 720p डिस्प्ले देखने को मिलता था, लेकिन जो 4G वेरिएंट था उसके अंदर आपको 1080p वाला डिस्प्ले प्रोवाइड किया गया था। तो इसी वजह से हम यहां पर भी यही एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि स्मार्टफोन के अंदर आपको 5G चिपसेट देखने को मिल रहा है, इसी वजह से यहां पर आपको 720p वाला डिस्प्ले प्रोवाइड किया जाएगा। तो यहां पर मेरे ख्याल में Samsung वालों को 1 से 2 हजार रुपए प्राइस बढ़ा देनी चाहिए थी और 1080p वाला डिस्प्ले लगा देना चाहिए था, वो ज्यादा बेटर होता एज कम्पेयर टू 720p डिस्प्ले। खैर, इसी के साथ इस स्मार्टफोन में 266 की PPI डेंसिटी दी जाएगी और साथ ही आपको यू शेप में नोच वाला डिस्प्ले प्रोवाइड किया जाएगा। प्रोटेक्शन के हवाले से बात करूं तो प्रोटेक्शन के हवाले से अनस्पेसिफाइड है कि स्मार्टफोन में आपको कोई प्रोटेक्शन देखने को मिलेगी या फिर नहीं। मे भी हो सकता है कि भाई Samsung वाले स्मार्टफोन में आपको कोई गोरिल्ला ग्लास की प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर दे, लेकिन स्टिल अभी कोई भी कंफर्मेशन नहीं है कि भाई प्रोटेक्शन होगी या फिर नहीं। इसके अलावा गाइस, बैक डिजाइन की बात करूं तो बैक डिजाइन आपको सेम वैसा ही प्रोवाइड किया जाएगा जैसा कि आपको Samsung Galaxy A42 में देखने को मिला है, यानी कि उसी स्टाइल में बैक का डिजाइन है और साथ ही आपको उसी स्टाइल में क्वाड कैमरास का सेटअप भी मिल जाएगा, यानी कि स्क्वायर की शेप में क्वाड कैमरास का सेटअप दिया जाएगा, जिसमें मेन सेंसर 48 मेगापिक्सल का होगा, सेकेंडरी 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड सेंसर होगा, थर्ड 5 मेगापिक्सल का मैक्रो सेंसर होगा, फोर्थ 5 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर दिया जाएगा और साथ ही आपको LED फ्लैश लाइट भी मिल जाएगी। फिंगरप्रिंट स्कैनर की बात करूं तो फिंगरप्रिंट स्कैनर आपको अंडर डिस्प्ले दिया जाएगा और साथ ही आपको फेस अनलॉक का ऑप्शन भी मिल जाएगा। इसके अलावा गाइस, यहां पर आपको एंड्रॉइड OS 11 दिया जाएगा, जिसके अंदर Samsung का अपना लेटेस्ट कस्टम UI 1 UI 3.1 दिया जाएगा, जो एक काफी अच्छी बात है, यानी कि यहां पर आपको Samsung का मोस्ट लेटेस्ट कस्टम UI देखने को मिलेगा, जो कि काफी ज्यादा ऑप्टिमाइज्ड है। दोस्तों, अब बात आती है मेन चीज की, यानी कि चिपसेट की, तो यहां पर आपको Qualcomm की तरफ से आने वाला एक 5G चिपसेट देखने को मिलेगा। जी हां गाइस, मैं बात कर रहा हूं Qualcomm Snapdragon 750G की, जो कि 8 नैनोमीटर के आर्किटेक्चर पर बेस करता है। ये 5G चिपसेट तो है, लेकिन परफॉर्मेंस के मामले में काफी ज्यादा तगड़ा चिपसेट है। इवन कि अगर आप लोग इस स्मार्टफोन को गेमिंग के लिए, कैमरास के लिए या फिर डिस्प्ले, यानी कि अगर आप लोग वीडियो देखने का शौक रखते हैं, तो अगर आप लोग उसके लिए भी परचेज करते हैं तो यकीनन आप लोगों को इस स्मार्टफोन में कोई भी इशू देखने को नहीं मिलेगा। नोट आउट परफॉर्मेंस की बात करूं तो परफॉर्मेंस के मामले में ये स्मार्टफोन बहुत ज्यादा तगड़ा होने वाला है। खैर, इसी के साथ इस स्मार्टफोन में एड्रीनो 619 का GPU दिया जाएगा, यानी कि स्मार्टफोन के जो ग्राफिक्स हैं वो भी आपको काफी अच्छे प्रोवाइड किए जाएंगे। सुपर एमुलेट डिस्प्ले है, इसी वजह से यहाँ पर जो आपको ग्राफिक्स की क्वालिटी देखने को मिलेगी सीरियसली आउटस्टैंडिंग। और डिस्प्ले हो Samsung का, उसके अंदर आपको क्वालिटी ना देखने को मिले इम्पॉसिबल, ऐसा नहीं हो सकता, बिकॉज Samsung जो है वो डिस्प्ले के मामले में काफी ज़रा काम करता है, क्योंकि जितने भी ब्रांड्स मार्केट में मौजूद हैं सबको Samsung ही डिस्प्ले प्रोवाइड करता है। यहीं पर अगर मैं रैम वेरिएंट की बात करूं तो स्मार्टफोन के 3 वेरिएंट लॉन्च किए जा सकते हैं। पहले वेरिएंट में आपको 4 128 देखने को मिलेगा,
दूसरे वेरिएंट में आपको 6128 देखने को मिलेगा और तीसरे वेरिएंट में आपको 8128 देखने को मिलेगा। इसी के साथ डुअल सिम का स्लॉट भी मिलेगा, लेकिन यहाँ पर आपको एसडी कार्ड का स्लॉट देखने को नहीं मिलेगा। स्लॉट देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन सपोर्ट जरूर दिया जाएगा। मतलब कि आप लोग एक टाइम में एक सिम कार्ड और एक एसडी कार्ड को यूज कर सकते हैं, या फिर दोनों सिम कार्ड को यूज कर सकते हैं, एसडी कार्ड को यूज नहीं कर सकते। और गाइस अच्छी बात यह है कि स्मार्टफोन के अंदर आपको यूएफएस 2.1 की स्टोरेज प्रोवाइड की जाएगी, जो कि काफी ज़रा फास्टेस्ट स्टोरेज है। रहेगी बात फ्रंट कैमरे की, तो फ्रंट पर डिस्प्ले में यू शेप में नोच दी जाएगी और नोच के अंदर 20 मेगापिक्सल की सेल्फी भी मिल जाएगी, जिसकी मदद से आप लोग 1080p की वीडियो भी रिकॉर्ड कर सकते हैं। और यहाँ पर सैमसंग का कहना यह है कि सैमसंग गैलेक्सी M42 के बैक कैमरे की मदद से आप लोग इजीली 4K की वीडियो भी रिकॉर्ड कर सकते हैं, जबकि फ्रंट कैमरे की मदद से आप लोग इजीली 1080p की वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं। इसके अलावा गाइस यहाँ पर आपको USB टाइप सी की कनेक्टिविटी मिल जाएगी, 5000mAh की बड़ी बैटरी होगी, जिसके साथ आपको 15W की फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट भी मिल जाएगा। ओवरऑल स्पेसिफिकेशन के लिहाज से देखा जाए तो नोट आउट ये स्मार्टफोन स्पेसिफिकेशन के लिहाज से एक बहुत ज्यादा तगड़ा स्मार्टफोन होने वाला है। सिर्फ इस स्मार्टफोन में एक चीज की कमी है, वो है जिस स्मार्टफोन की डिस्प्ले की रेजोल्यूशन। 720p के बजाय अगर 1080p रेजोल्यूशन होती तो ज्यादा मजा आता। लेकिन अगर दूसरी तरफ देखा जाए तो स्मार्टफोन में आपको 5G चिपसेट देखने को मिलेगा, इसी वजह से यहाँ पर आपको 720p डिस्प्ले प्रोवाइड किया गया है। अगर यहाँ पर कोई 4G चिपसेट होता तो डेफिनेटली आपको 1080p वाली रेजोल्यूशन प्रोवाइड की जाती। खैर दोस्तों, अब बात कर लेते हैं कि स्मार्टफोन की ग्लोबली मार्केट में प्राइस क्या रखी जाएगी। तो यूरोज में स्मार्टफोन की प्राइस 250 यूरो है, जबकि डॉलर्स में स्मार्टफोन की प्राइस 410 डॉलर्स है। अगर पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान में स्मार्टफोन की प्राइस तकरीबन 55,000 से 60,000 के दरमियान में रखी जा सकती है। लॉन्च डेट की बात करें तो स्मार्टफोन को ग्लोबली मार्केट में 28 अप्रैल को ऑफिशियली तौर पर लॉन्च किया जा रहा है, और बहुत ही जल्द यह स्मार्टफोन आपको 4G के साथ पाकिस्तानी मार्केट में भी देखने को मिल जाएगा। खैर दोस्तों, आज की वीडियो आपको कैसी लगी और आप लोगों का क्या ओपिनियन है सैमसंग गैलेक्सी M42 के हवाले से, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। उम्मीद करता हूं दोस्तों आज की वीडियो आपको काफी ज़रा पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करें। मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में, दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफिज।